given the point 1, 2, find the equation of a line on which it lies. How many such equations are there? देखो, हमें एक coordinate plane के अंदर एक point दिया गया है 1, 2. 1, 2 का मतलब क्या है? कि x coordinate की value है 1 और y coordinate की value कितनी है? 2. तो ये अगर मेरे पास graph है, तो इसके अंदर x1 और y2, तो यानी कि ये point यहाँ पे बनेगा, ठीक है? x1 हो गया और y2 हो गया, तो ये मेरे पास point आ गया. अब वो ये कहता है कि एक line की equation find out करो, एक ऐसी line की equation find out करो जिसके ऊपर ये point lie करता हो. देखो, अब इसको ना आप ऐसे समझो कि ये जैसे point है, ठीक है? ये किस line पे lie करेगा? अगर मैं एक line यहाँ draw करूँ, ये इस पे lie करेगा. अगर मैं एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये इस पे भी लाई करेगा. अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये इस पे भी लाई. कितनी लाइंस हैं जो इस पॉइंट से होकर निकल सकती हैं? एक पॉइंट के ऊपर से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होकर निकल सकती हैं. चाहे इधर को लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे यहां को लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे यहां को लाइन ड्रॉ कर लो, तो एक पॉइंट जो है, एक सिंगल पॉइंट जो है, वो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस के ऊपर लाई करता है. अब हर एक लाइन जो है, उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है? टू वेरिएबल्स के अंदर हम हर लाइन की एक इक्वेशन लिख सकते हैं. अच्छा, आप इक्वेशन कैसे लिखनी है, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो मैं अब आपको समझाता हूं. देखो, आप क्या करो, सबसे आसान तरीका इसका क्या होता है कि आप कैसा भी x और y का कॉम्बिनेशन ले लो, कैसा भी x और y का कॉम्बिनेशन. मेरे कहने का मतलब कि इस तरह का कॉम्बिनेशन कि ax by is equal to c, इसमें a, B और C, ये तीनों क्या हैं? कांस्टेंट्स, ठीक है? और X और Y तो X और Y हैं, ठीक है? और ये दो वेरिएबल्स हैं, ओके. अब मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि कैसा भी ये कॉम्बिनेशन ले लो, इसका मतलब ये है कि A और B की आप जो चाहे वैल्यू ले लो, और उससे हम लोग C की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे? मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो, सबसे पहले मैं a1 और b भी 1 ले लेता हूं, ठीक है? मैं a को भी 1 ले लेता हूं और b को भी 1 ले लेता हूं. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? a1 और b1 अगर मैं इसमें डालूंगा तो 1 into x, यानी कि x plus b into y, 1 into y is equal to c, ये हो जाएगा, ठीक है? a की जगह 1 डाल दिया, b की जगह 1 डाल दिया, तो ये आ गया. अब इसमें अगर x और y की वैल्यू मैं 1 और 2 डाल दूं, x और y की वैल्यू 1 और 2 डाल दूं, तो c कितना आ जाएगा? C आ जाएगा 3, ठीक है? 1 plus 2 is equal to 3. तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, और वो इक्वेशन क्या है? X plus y is equal to 3. अब ये जो एक इक्वेशन आई मेरे पास, 1 and 2 इसका एक सॉल्यूशन है, 1 and 2 इसका एक सॉल्यूशन है. इसमें डाल के देख लो वापस, इसमें x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 2 डालो, is equal to 3, यानि कि 3 is equal to 3, तो मतलब ये जो equation है line की, इसकी जब मैं line draw करूँगा, तो वो इस point से होके निकलेगी, यानि कि 1 और 2 से होके निकलेगी, ठीक है? अब एक example और ले लेते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, मान लो A को मैं ले लेता हूँ से 5, कुछ भी ले लो A को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? B को ले लो से 6, तो अब मैं इसमें अगर a और b की वैल्यू डालूं, तो ये कितना आ जाएगा? 5x plus 6y is equal to c. अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें मुझे c नहीं पता, लेकिन c मैं निकाल लूंगा. क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन को 1 और 2 से होके निकलना है, तो यानी कि x is equal to 1 और y is equal to 2 इसका एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मतलब, जब मैं x को 1 और y को 2 इस इक्वेशन में डालूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी. तो इसमें डाल लो, ये हो जाएगा 5 into 1 plus 6 into 2 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 is equal to c. तो यहां से c कितना आ गया मेरा? 5 plus 12, which is equal to 17. तो इक्वेशन क्या बन गई? अब c की ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो यानी कि इक्वेशन हो गई 5x plus 6y is equal to 17. अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई लाइन की, इसकी जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये भी 1 और 2 से होके निकलेगी. इसको वेरीफाई कर लो,
5x यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 6y यानी कि 6 इंटू वाई की वैल्यू 2 शुड बी इक्वल टू 17। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17, यानी कि 17 इज इक्वल टू 17 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब 1 और 2 इस इक्वेशन का भी एक सोल्यूशन है। तो आपको फंडा समझ में आया कि आपको ax प्लस by इज इक्वल टू सी ये एक इक्वेशन लेनी है, उसमें a और b की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाओ कुछ भी लेते जाओ, x और y की वैल्यू आप उसमें 1 और 2 डालोगे, वहाँ से आपको c मिलता जाएगा और आप जितनी चाहे आप लाइंस की इक्वेशंस निकाल सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस निकाल सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।